करे, 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 करे। ये लोग भी बोलेंगे जब आप इन छह का इस्तेमाल करके यूनिक कंटेंट बनाएंगे यूट्यूब पे नहीं यार इंस्टा पे नहीं आप अबे अबे इंटरनेट पे खैर इन सारे हैक्स को अपने दिल पे मत लेना सर देखिए अपना फंडा बहुत क्लियर है की चाहे कुछ भी हो सर हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सर जी देखो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है तुमको तो पता ही होगा तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इस भीड़ में टिकने देगा सर आई एम ग्लैड देट यू आज दिस क्वेश्चन सर सर देखिए भीड़ चाहे कितनी भी हो उस भीड़ में रहकर भी उस भीड़ से बाहर निकलकर रहने की क्षमता है सर हम में सर कैन आई एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल सर अपना फोन इस वीडियो के बाद जरा ऑन करना अपने ऐप ड्रॉवर में जाना और एक ऐप ढूंढना ये ऐप तीन प्रकार के नाम के साथ देखी जाती है नोट्स, टिप्स और नोट और यही है हमारा पहला है स्टोरी टेलिंग हर कंटेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लेकिन लोग कंफ्यूज आ जाते हैं कि इसको किया कैसे जाए क्योंकि स्टोरी टेलिंग ना केवल आपकी वीडियोस में मदद करती है बल्कि आपके टाइटल्स थंबनेल्स में भी मदद करती है और हम भी कैसे थोड़ी बहुत स्टोरी टेलिंग करते हैं वो भी आपको बताएंगे देखो पहले ये समझो की स्टोरी टेलिंग में तीन स्तंभ होते हैं पहला स्तंभ है हुक दूसरा है ड्रामा और तीसरा है ऐसे धड़ना बताओ खैर पहले स्टोरी टेलिंग में हुक कैसे काम करता है उसको जानते हैं इधर आ हमने इस वीडियो की शुरुआत कैसे की थी हे करे, हे करे, 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 करे। ये लोग भी बोलेंगे जब आप इन छह हैक्स का इस्तेमाल करके यूनिक कंटेंट बनाएंगे अगर ये पार्ट किसी और कॉन्टेक्स्ट में डाला होता तो हो जाता काम हमने ये वीडियो में पहले ही बता दिया कि सुनो जब आप इन छह हैक्स का इस्तेमाल करके यूनिक कंटेंट बनाएंगे लोग आपको ये कहने वाले है तो वो कौन से हैक्स, कैसे हैक्स वो जानने की उत्सुकता में आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देख रहे हैं। इसके हमारे अलावा एक और एग्जांपल दिखाता हूँ शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के अंदर वेन्टाइन <laughs> मनाओगे कभी जिंदा लड़की देखिए जिंदगी शॉर्ट फॉर्म में तो स्नेप e इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में यहाँ पर आप मजबूर हो गए scariest thing ever done. ये देखने के लिए की ये ऐसा कैसे होगा और विजुअल दिखा के उन्होंने आपको ये भी यकीन दिला दिया की इसमें मजा दुख दर्द पीड़ा हो सकती है स्टोरी टेलिंग का दूसरा स्तंभ आता है ड्रामा ड्रामा का मतलब ये वाला ड्रामा नहीं ड्रामा का सही मतलब क्या होता है एक कैरेक्टर जो उस सिचुएशन को बिलोंग नहीं करता और वो मोमेंट जो होती है वो ड्रामेटिक बन जाती है अब इसका ड्रामेटिक्पल बताता हूँ वाला वीडियो देखो सात दिनों तक कब्र के अंदर जिंदा लेटा में लेकिन कोई इंसान कैसे जिंदा होकर भी दफनाया जाएगा सात दिनों तक ये सिचुएशन अपने आप में कितनी ड्रामेटिक है कि क्या होगा उसके साथ कैसे होगा वो कैसे मैनेज करेगा ये सारी क्यूरियोसिटीज आपको मजबूर करते हैं उस वीडियो को क्लिक करने के लिए खैर ये तो मिस्टर बीस्ट थे अगर कोई और होता तो आज की एग्जाम्पल के हिसाब से इसे कैसे किया जाता आज ही मैं वीडियो में स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे अंकित भाई की ये वीडियो मिली जिसमे लिखा था अंकित बिज गया अब हमारे दिमाग में अंकित भाई की इमेज कैसे बनी हुई है कि ये सीधा सरल व्यक्ति अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता है गलत चीजों में नहीं पड़ता है भगवान का नाम लेता है लेकिन थंबनेल में क्या बोला जा रहा है ये बिज गया है

और तीसरा स्तंभ है इमोशन ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा इमोशन जागृत करना चाहते हैं अपने कस्टमर ओ सॉरी व्यूअर के मन में ह्यूमर थ्रिल रेलिवेंसी और रिलेटेबिलिटी है। है, कितना आप लोगों को खुद से रिलेट करवा सकते हैं एग्जाम्पल के लिए ट्वेल्थ फिल्म मूवी को देख लो या थ्री इडियट्स को देख लो यहाँ भले सिचुएशन बहुत ड्रामेटिक ना हो लेकिन रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो था इनको

तीसरा है बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा okay, an hey, देख रहे हो क्या फर्क है इन इंसानों में ये इनकी अर्ली वीडियोज है और ये है इनकी नई वीडियो दे कैन एंड वे मोड बनाया जो सॉफ्टवेयर फोटो में कुछ अलग चीजें कर रहा है कुछ नोटिस किया टाइम अप। नोटिस करने वाली यहां पर एक एक ही चीज थी, थी वो बॉडी लैंग्वेज। सिर्फ इस एक हैक का इस्तेमाल करके आप अपने व्यूअर का इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं और आप पे फोकस करवा सकते हैं अगर मैं आपको ऐसे ही बोलता रहा तो आप कितनी देर तक सुनेंगे और मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाएं Uh, मेरा यही मानना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा दें इसकी बातों पे ध्यान मत दो आप मेरे बस हाथ पे ध्यान दो वो सब लोग जमाने से बता रहे हैं कि हाथों का इस्तेमाल करो पाउडर का इस्तेमाल करो या आंखों का इस्तेमाल करो लेकिन रियलिटी यही है कि आपको अगर एक कनेक्शन बढ़ाना है हैंड जेस्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उससे भी ज्यादा जरूरी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस चीज का इस्तेमाल हमने हाल ही में अपनी शॉर्ट्स वीडियो में ज्यादा किया एक्सपेरिमेंट के तौर पे। हमने कुछ ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड किए यार तुम लोग भी कैसी बातें करते हो यार को चैट जीपीटी सीखने के लिए कोई कोर्सेज की जरूरत नहीं है जो आपको इतने पैसों में लेकिन पहले हमारे शॉर्ट कैसे होते थे देखो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको बताऊँ की नहीं बताऊ लेकिन अगर आप ब्रांड बनाने के लिए अपनी एड चला रहे हैं तो मत चलाओ और मजे की बात यह है की एंगेजमेंट रेट इसके कंपेरिजन में इसका ज्यादा था वो बात अलग है अब ये बहुत ओवर रेटेड कैटेगरी में आ चुकी है क्योंकि हर मोटिवेशनल स्पीकर भी इसी का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन है भाई अब क्या करे यही चीज है हैक है ये और अलग अलग हैंड जेस्टर्स का अलग अलग मतलब होता है जैसे ये मैं बहुत फोकस्ड हूँ और आपको ये बात जरूर से सुननी चाहिए ये हैंड जेस्टर ज्यादातर सस्पेंसफ़ुल आप हॉरर कंटेंट बनाते हैं उसमें ज्यादा देखने को मिलती है वहीं ये वाला हैंड जेस्टर जो है वो आपको एक्साइट करता है और सुनने के लिए मजबूर करता है और पॉजिंग हैंड जेस्टर जैसे ऐसे ऐसे ये आपको इंटरेक्शन में मदद करता है कि आया बेटा और ये हैंड येस्टर ज्यादातर स्टैंड में यूज किया जाता है खैर चौथा हैक का रिसर्च टैब अभी तक आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना एनालिटिक्स पे जाओ और रिसर्च टैब पे क्लिक करो और यकीन मानो यकीन मानो आपकी ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है वो आपको कीवर्ड और टाइटल के साथ मिल जाते हैं बस आपको यूज करना आना चाहिए इसको मद्देनजर रखते हुए पिछला वीडियो हमने इसी के बेसिस पे बनाया अच्छा परफॉर्म किया यार वो वहां से मुझे ये भी पता चलता है कि मेरी ऑडियंस की नीच क्या है और मेरी ऑडियंस क्या देखना ज्यादा पसंद करती है और जो मैंने कंटेंट बनाया है उस नीच पे और कैसे लोग कंटेंट देख रहे हैं जिससे मुझे ये अंदाजा मिलता है कि यार अगला कंटेंट ना मैं इस पे बनाऊंगा या इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके इसको यूनिक कर दूंगा आपके मन में जो भी सवाल हो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं फेसलेस यूट्यूब चैनल यूजिंग ए मैंने कोई भी क्वेरी डाल दी इसके ऊपर सर्च किया और नीचे मुझे उसके रिलेटेड कुछ वीडियो मिले लेकिन यहाँ पर आपको बहुत से की भी मिलेंगे लेकिन एक छोटा सा है मैंने हैक बताया आपको पांचवा हैक, ऑब्जर्वेशन और ए आपको अपनी दिनचर्या को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा इवन आपको सोशल मीडिया पे भी लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ए भाई गलत तुम गलत सेंस में ले लेते हो हर चीज को देखो मेरा एक नियम है पहले मैं करूंगा ऑब्जर्वेशन इमेजिनेशन और फिर एग्जीक्यूशन ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है किसी भी कंटेंट को बनाने के लिए अब इसी वीडियो का एग्जांपल ले लो लोग ये सर्च कर रहे हैं कि यूनिक कंटेंट कैसे बनाया जाए लेकिन इमेजिन मैंने ये किया की कि इस वीडियो में कैसे स्क्रिप्टिंग की जाए की ये इंटरेस्टिंग भी हो जाए और नॉलेजेबल भी हो जाए और उसका एग्जीक्यूशन वो आप देख ही रहे हो लेकिन इसमें ए का इंप्लीमेंटेशन बहुत काम का है सर सर हेल्थ के साथ कोई नहीं सर। जी। देखो तो आपके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं ए मौजूद होना चाहिए ये नहीं कि आपने पूरा ही वीडियो ए का बना दिया वो तो खैर हम अपने हैक नंबर छह की तरफ बढ़ते बहुत जरूरी है यार ये मतलब बहुत ही अंडररेटेड हैक है ये पॉजेस और एसएफएक्स पिछले पंद्रह वीडियोस से मैं पॉजिंग को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आप यार इंसान हो सीरी नहीं हो चाहता तो मैं एडिट कर सकता था क्योंकि ये नेचुरली आ गए थे लेकिन मैंने फिर भी इनको डाला क्योंकि ये इमोशन और रिलेटेबल लगते हैं आपकी स्टोरी के अंदर और ऊपर से साउंड इफेक्ट्स हर चीज का साउंड होता है और अगर नहीं भी होता है तो आपको पता कौन सा चल रहा है आपको पता है यहाँ इस जगह पे मैंने कौन सा साउंड इफेक्ट किया? पत्थरों का और हैं आज। लेकिन एक और बहुत जरूरी है, वो ये लेफ्ट वाली जिसमें मैंने यूनिक यूट्यूब आइडियाज दिए है इस्तेमाल करके और राइट वाली वीडियो में इसी का दूसरा पार्ट मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए देखो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है तो, तो...